हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न अकेडमी। तो फाइनली यहाँ पे वेस्ट बंगाल पॉलिटेक्निक एडमिशंस 2024 फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो गई थी और आप लोग काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि मेरिट लिस्ट और रैंक कार्ड कब तक आएंगे। चाहे आप लोग जेक्सपो की अप्लाई किए हों या वोकलेट के लिए अप्लाई किए हों, तो फाइनली यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से जो है रैंक कार्ड को पब्लिश कर दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों की मेरिट लिस्ट भी पब्लिश कर दिए गए हैं, जेक्सपो वोकलेट दोनों के लिए। तो कैसे देखेंगे, कैसे आप लोग की रैंक कितना है, सभी कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आप एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारी टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो है मैं आप लोग को मेरिट लिस्ट पे मैं लेकर आ चुका हूँ। देखिएगा, ये मेरिट लिस्ट एडमिशन जो है ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए यानी जेक्सपो स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे देखिएगा कि फॉर्म नंबर, एप्लीकेंट नंबर, ठीक है, आप लोग की सारी डिटेल्स दिए गए होंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा आपकी जनरल रैंक, अगर आपका सर्टिफिकेट से भी अप्लाई किए तो उसकी भी रैंक जो है आपको साइड में देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखिएगा ये फर्स्ट कैंडिडेट जो है अंकित शर्मा, अंकित कुमार, ये जनरल कैटेगरी से आती है, इनकी देखिएगा जनरल रैंक 1 है। वैसे ही यहाँ पे सेकंड में आप देखिएगा, सेकंड यहाँ पे जो तारिकुल इस्लाम, ये यहाँ पे जनरल कैटेगरी में है 2 नंबर पे, बट ये ओबीसी ए कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ओबीसी ए कैटेगरी में इनका रैंक 1 है, ठीक है। तो इनका जब भी काउंसलिंग होगा दोनों में ही ये बहुत ही अच्छी बेनिफिट इनको मिलने वाला है। जनरल रैंक भी इसकी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे इनकी रिजर्व कैटेगरी की भी रैंक काफ़ी अच्छी है। जैसे एक और मैं आपको एक एग्जांपल मैं देकर बता देता हूँ। देखिएगा ये कैटेगरी का यहाँ पर पार्थ राणा की, देखिएगा यहाँ पे ओबीसी बी कैटेगरी के स्टूडेंट है, इनकी जनरल की रैंक देखिएगा 13 है, बट यहाँ पे ओबीसी बी की यहाँ पे सेकंड है। तो काफ़ी अच्छी इन्हें फ़ायदा मिलने वाला है अगर ये अच्छे से कॉलेज को चूज़ करते हैं तो, ठीक है। यहाँ पर आपको सभी देखिएगा काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पर जो है फॉर्म फिलअप यहाँ पर हुए हैं, ठीक है। लगभग देखिएगा 990 पेज की ये पीडीएफ है। बस आप लोग को कॉलेज जो है अच्छे से सजाना होगा। और चलिए मैं बता देता हूँ कि कितनी फॉर्म फिलअप यहाँ पे बुकलेट में इस साल किए गए हैं। तो टोटल यहाँ पे देखिएगा जनरल यहाँ पे लगभग 45,000 के आसपास यहाँ पे जो है फॉर्म को फिल यहाँ पर किया गया है। 45,502 कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप किए हैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के लिए जेक्सपो के लिए, ठीक है। चलिए मैं वोकलेट की भी मैं दिखा देता हूँ कि उसके लिए यहाँ पे कितने मेरिट लिस्ट में फॉर्म फिलअप हुआ, उनकी रैंक कार्ड्स। ये यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर यानी जो वोकलेट के थ्रू से अप्लाई किए थे उनकी ये मेरिट लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिएगा सभी सेम जो मैंने आपको वहाँ पे बताया उसी तरीके से रैंक यहाँ पे डिवीज़न को किया गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे टोटल कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है वो भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। लगभग यहाँ पे देखिएगा वोकलेट के लिए तो लगभग 13,000 स्टूडेंट के आसपास यहाँ पे फॉर्म जो है दोस्तों अप्लाई यहाँ पर किया गया है वोकलेट के लिए, ठीक है। तो बस आप जिनका अच्छा रैंक है लगभग 1,000 के बिलो में है उनको ज़्यादा चांसेस होंगी यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज की मौका मिलने में, ठीक है। लगभग उन्हें मिल ही जाती है अगर आपकी रैंक लगभग 1,000 के नीचे है तो, ठीक है। चलिए आप लोग रैंक कार्ड किस तरीके से डाउनलोड करेंगे वो भी मैं आप लोग को मैं बता देता हूँ। चलिए लॉगिन करके आप यहाँ पर वेबसाइट के लॉगिन करके यहाँ पे आप आ जाइएगा। देखिएगा रैंक कार्ड यहीं पे आप शो करेंगे, ठीक है। आप जेक्सपो है या वोकलेट है दोनों में ही जो है आपको यहाँ पे देखिएगा रैंक कार्ड करके शो होगा और बस यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है, इसके ऊपर। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे देखिएगा यहाँ पे आप लोगों की आप जिस के लिए अप्लाई किए होंगे वो यहाँ पे डेटा, सबके फॉर्म नंबर, नेम, कैंडिडेट का फ़ोन नंबर और यहाँ पे आप लोगों की रैंक और कैटेगरी भी आप लोगों के यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको आप लोग की रैंक कार्ड आप लोगों को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि मैंने मेरिट लिस्ट और रैंक कार्ड किस तरीके से आप लोग देखेंगे वो मैंने आपको दिखा दिया। अब आप लोग को कॉलेज की चॉइस फिलिंग करना है तो कॉलेज की चॉइस फिलिंग में जो है आप लोगों को घबराना नहीं है, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को मैं बताऊँगा आपके रैंक, आप लोग अपना अपना रैंक ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि आप लोगों का भी मैं हेल्प कर पाऊँ कि किस तरीके से आप लोगों को कॉलेज को सजाना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। कॉलेज जिस तरीके से आप लोग सजाएंगे उसी अकॉर्डिंग से ही जो है आप लोगों को यहाँ पर चांस मिलेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप करना चाहते हैं तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।